हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को पांच बातों की नसीहत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ये पांच बातें तो तुमको पेश करता हूँ, तुम में से कौन इन बातों को हासिल करके उन पर अमल करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं भूल पड़ा या रसूलुल्लाह, मैं ही इस काम के लिए तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर आला तरतीब पांच बातों की नसीहत फरमाई, जो इस हदीस शरीफ में मज़कूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन इन बातों को मुझसे लेगा, फिर इन बातों पर ख़ुद अमल करे, या ऐसे लोगों को सिखा दे जो इन पर अमल करेंगे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह, इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर पांच बातें गिनकर बतलाई। नंबर एक, हराम चीज़ों से बचो तो तुम लोगों में सबसे बड़े आबद बन जाओगे। नंबर दो, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए मुकद्दर फरमाया उस पर राज़ी हो जाओ तो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा गनी बन जाओगे। नंबर तीन, और पड़ोसी के साथ हमदर्दी करो तो तुम मोमिन कामिल बन जाओगे। नंबर चार, और दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। नंबर पाँच, कसरत से मत हंसा करो, इसीलिए कि कसरत से हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है।